बीकानेर अब तक न्यूज का एक नवाचार है। बीकानेर अब तक न्यूज अपने फेसबुक पेज पर प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता है जो कोरोना काल में आपको संबल दे और आपको प्रेरित करे। आज उसी कड़ी में हमने बातचीत की मोटिवेशनल स्पीकर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और बिजनेस वुमेन आसमा नाथ से, जिन्होंने फेसबुक सेशन में अपना लाइव परफॉर्मेंस दिया, साथ ही साथ लोगों को कोरोना काल में सकारात्मक रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कुछ उपयोगी टिप्स दिए जिसे लोगों ने लाइव रहते हुए उनसे क्वायरीज की और उनसे सवाल भी किए और उन्होंने उसके जवाब भी दिए। हजारों लोगों ने उनके इस लाइव सेशन को देखा। आइए दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां। बीकानेर अब तक पर प्रस्तुत होना और आपके समक्ष अपने विचार रखना मेरे लिए भी आज एक गौरव का क्षण है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कहते हैं प्रैक्टिकल मुद्दा है। आज हम लोग कई वक्त से अपने घरों में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमारे मन में, मस्तिष्क में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, हमको परेशान भी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी बात पर बेस्ड है कि इस कोरोना के समय में हम कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं और कैसे मानसिक रूप से हम खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और रूमर्स भी बहुत हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, अब तो हमें इस बीमारी के साथ में ही जीना पड़ेगा, मास्क तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, सैनिटाइजर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो ये कई बातें हमको डेली बेसिस पे सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में अशांति है, और जहां अशांति होती है, जहां अनिश्चितता होती है, वो सिचुएशन हमारे जीवन में तनाव पैदा करती है। क्या तनावग्रस्त व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? क्या तनावग्रस्त व्यक्ति कभी अपने जीवन में पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना कार्य कर सकता है? नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्या ये तनाव सच में हमें लेना चाहिए या इस तनाव को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। बनाइए आपके जीवन से क्या उम्मीदें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कई लोगों ने इस चीज को बहुत पॉजिटिव लिया, कई लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया, अपने परिवार के साथ में अपनी हॉबीज को टाइम दिया। आपको लिस्ट बनानी चाहिए उन चीजों की जो आप समय अभाव के कारण आप नहीं कर पाते थे। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रही हूं, फिटनेस की जो जर्नी है, यदि आप इसके आदि हो गए तो यह आपको योगा मेडिटेशन तो आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत ही ऊर्जा से भरपूर कर देगी। ये चीजें इनको अपने साथ लेकर चलिए, आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए इसको। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमें न्यूट्रिशन, खाना खाना चाहिए। हम जैसा खाना खाएंगे वैसे हमारे विचार होंगे, हम जैसे दिखेंगे, हम हमारे अंदर जैसी भावनाएं होंगी वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। आप एक कोशिश कीजिए कि खुद से प्यार कर सकें। जो सेल्फ लव होता है वो फूल की खुशबू की तरह हमारी सराउंडिंग में फैलता है और आकर्षित करता है दूसरों को। तो हमें ऐसी पर्सनैलिटी बनना है जो फूल की खुशबू की तरह महके। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी जो समय है ये चेंजेस को अडॉप्ट करने का है। हम बिल्कुल अपनी लाइफ वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसी पहले थी,